बायोलॉजी खत्म होने के बाद दोबारा रीजनल पर्पस से आएंगे, समझे बात को? ठीक है, चलो जैसे मैं जैसे लगता है कि मेरा कुछ कुछ बातें छूट गया है या कुछ रह गया। थायरोक्सिन हार्मोन निकल रहा है थायराइड ग्रंथि से और ये क्या करता है, कोशिकीय शोषण में क्या करता है, तीव्र कर देता है। इसका मतलब यही होता है सर, इसका मतलब यही होता है, आपको हम बता देते कि आपको बताए ना कि हमारे कोशिका में बहुत सारे पदार्थ, मतलब कि समझ लीजिए एक प्रकार का एक प्रोकैरियोटिक होता है जैसा यूकैरियोटिक होता है, हमारे दोनों के अंदर अगर आप बोलते हैं, अगर आप थोड़ा सा जानकारी होगा आपको, तो जंतु जगत और पादप जगत, भैया जानते हैं क्या, दोनों में कौन सी होता है, केंद्रक होता है, दोनों में होता है। आप बहुत बढ़िया से याद कर चुके हैं, यहाँ पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, यहाँ पे होता है लाइसोसोम, होता ना जी, यहाँ पे होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे होता है प्रोटीन मतलब राइबोसोम, यहाँ पे होता है गोल्जी कॉर्ड, ना होता है मतलब यहाँ पे होता है रसायन, मतलब की प्लाज्मा क्या बोलते हैं परिवहन का जो काम कर रहा है, मतलब इतना इतना चीज पाया जाता है। इसके बीच में कोशिका द्रव्य भरा रहता है, यह कोशिका द्रव्य जीवन का आधारभूत इकाई है, यह पानी अगर खत्म हो गया तो कोशिका मर जाएगा, अब कोशिका मर गया तो हाथ का कोशिका मर जाएगा, हाथ का कोशिका मर गया तो आदमी मृत्यु हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये सब देखोगे तब ना, तो या ये कोशिका जल्दी जल्दी काम करे, शोषण अधिक अधिक ले, तो वो क्या करते हैं तीव्र कर देता है। उसी प्रकार याद क्या समझ रहे हैं, अब छत पे चढ़ते हैं, अगर आपका शोषण दर अगर तेज नहीं होगा ना, अगर वही नॉर्मल से लोग है ना, आपको कुछ हो नहीं सकता है, ऑटोमेटिक आप उड़ते आते ऑटोमेटिक आप सांस तेज खींचने लगते हैं, समझो क्यों, क्योंकि याद थायरॉइड छूट रहा है, छूटा छूटने वाले थायरॉइड नहीं निकल गया, अब कोशिका को क्या बोल दिया कि जल्दी जल्दी सांस लीजिए, सांस ले रहा है वो। उसी प्रकार याद क्या, यह हमारे शरीर में सामान्य वृद्धि विशेषता हड्डी बार इत्यादि के लिए क्या होता है, विकास के लिए अनिवार्य होता है, वाकई में जितना अच्छा थायरॉक्सिन छूटेगा, ये कहने कहीं यही सब बातें होता है। और याद क्या, ये सब जो काम होता है ना अधिकांश, ये 15 साल के एज में से आसपास होता है, इसलिए लड़का देख लीजिएगा मैट्रिक में पढ़ता है ना, जब इंटर तक में जाता है उसी बीच में उसकी लंबाई बड़ा खतरनाक बढ़ जाता है, बिल्कुल मैट्रिक से जैसे पास किया मैट्रिक के आसपास पहुंचा, उसका देख लीजिएगा इंटर जाते जाते उसकी हाइट बहुत अच्छी लंबी खासी जाती है, खतरनाक हार्मोन जुड़ता है, जैसे 20-21 साल तक ज्यादा सारा हार्मोन धीरे धीरे छूटना कम हो जाता है, इसलिए आदमी लंबाई के कद बढ़ना कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सब हार्मोन के बाद पता चल जाएगा, तो याद कीजिए हमारे शरीर में वृद्धि विशेषताएं हड्डियां और बाल इत्यादि के लिए क्या ये आवश्यक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, थायरॉक्सिन। आगे लिखा हुआ कि जनन अंगों में, मतलब याद रखिए महिला का अलग पुरुष का अलग, तो याद रखिए सामान्य कार्य में इन सक्रियता को क्या करता है, मतलब याद रखिए जो काम करेगा जो पुरुष का है जो महिला का जो जन अंग है, तो याद रखिए क्या करता है इसमें थायरॉक्सिन में मदद करता है, तो कहीं ना कहीं ये बात को बनाए रखेगा तो बढ़िया कोशिश है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ए और बी है। अगला लिखा हुआ है कि पीयूष ग्रंथि, वही मास्टर ग्रंथि, याद रखिए पीयूष ग्रंथि को हार्मोन के साथ मिलाकर शरीर में जन संतुलन का काम करता है, क्या नियंत्रण करता है, क्योंकि याद रखिए पीयूष को आप क्या करते हैं मास्टर करते हैं, मास्टर का काम यही कि इसमें कौन बच्चा क्या क्या पोजीशन जा रहा है, लगातार हम टेस्ट इसीलिए ले रहे हैं, ये पूछा पूछी इसीलिए चल रहा है, अब उनको बहुत अंदाजा मिल गया है इस बैच में या इस क्लास में कि कौन लड़का या कौन लड़की कैसी है, बिल्कुल बहुत बढ़िया अंदाजा मिल गया, बहुत अच्छा से है ना, बाद में एक रुपये टेस्ट खाली केमिस्ट्री का ले लेंगे, अब पूरा अंदाजा मिल जाएगा कौन कितना पानी में है, कौन कितना ड्रेस में दौड़ना स्टार्टिंग कर दिया है और कौन कहाँ पे चल रहा है, जरूरी है। और वैसा वैसा विद्यार्थी जो आगे चल रहा है उसको ज्यादा पुशअप करने की, और ये पीयूष ग्रंथि के साथ क्या करता है जल संतुलन का काम करता है, मतलब हमारे बॉडी में क्या करता है पानी को बनाए रखने के लिए काम, मस्तिष्क करता है, मतलब क्यों करता है हर ग्रंथि करता है। आगे देखिएगा लिखा हुआ कि जब थायरोक्सिन की कमी से हो जाता है, मतलब भैया जब थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन को छोड़ ही नहीं रहा, वहां छोड़ रहा था तो जल को संतुलन बनाए रखने काम कर रहा था, वहां छोड़ रहा था तो कोशिका का शोषण हो रहा था, वहां छोड़ रहा था तो हड्डी और वृद्धि का विकास हो रहा था, लेकिन जब यहाँ कमी होगा तो कमी होने से क्या क्या रोग होगा, आइए देखने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा देखेंगे बहुत बढ़िया लगेगा इसको। आगे लिखा हुआ है कि लिखा पहले लिखा हुआ है जड़ मानवता, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है जड़ मानवता, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको देखिए थोड़ा सा, लिखा हुआ है यह रोग बच्चों में होता है, इसमें बच्चों का मानसिक एवं शरीर विकास होना अवरुद्ध हो जाता है, वाकई में जिसका थायरॉक्सिन छूट गया देख लीजिए किसी बच्चा का हल्का फुल्का पेट वहीं पर से फेंक देता है, हाथ का थोड़ा सा अधिकार छोटा सा अधिकार हाथ थोड़ा सा विकास नहीं कर पाता है, मतलब देखिएगा बहुत लोग ऐसा देखिएगा एज बहुत ज्यादा रहता है बच्चा का लेकिन सब बॉडी विकास नहीं करता, वजन नहीं बढ़ता है, बस थायरॉक्सिन की कमी से हो रहा है, इसका मतलब याद रखिएगा कहीं ना कहीं ये जड़ मानवता को देखिएगा ये और पक्का बच्चों में हो रहा है, अब विकास नहीं होगा उसका बॉडी उतना विकास नहीं करेगा, ये काम यहाँ हो रहा है। आगे देखो अगला हम बात करते हैं, अगला क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है
आगे लिखा है मिक्स डिमा, क्या लिखा हुआ है मिक्स डमा, क्या लिखा हुआ है मिक्स डमा, क्या लिखा हुआ है बोलो 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 बोलो। जड़ मानवता रोग किसमें होता है, किसमें होता है? थायरोक्सिन की कमी से पहला होने वाला रोग का नाम, अगर थायरोक्सिन अगर अधिक निकल तब बताइए नाम क्या क्या होगा उसमें, तब बोलिए एक और बताओ। जब थायरोक्सिन जब अधिक निकलेगा तब क्या होता है, श्वसन में तीव्रता आती है। ये बात तो बहुत बढ़िया याद रखो, बीपीएससी है, इतना बड़का बड़का ऑप्शन देगा, समझे बात को। कोनो प्रश्न ही मिनट में पूछेगा कि बल का SI मात्रक न्यूटन, भैया केजी में पूछेगा, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ना, वो भी क्वेश्चन आसान नहीं पूछेगा। अगर आसान भी दे दिया ना तो मिलान चिन्ह दे देगा करने के लिए, चार को मिलान करोगे तब एक नंबर पूछेगा, आसान का मतलब होता है मिलान चिन्ह है ना, इसलिए याद रखिए सारी बातें दिया रहेगा। जब आपको ये बताइएगा कि हमारे शरीर में मेडुला ओब्लॉन्गाटा का क्या कार्य है, नींद से कौन गलत है ऐसे दे देगा बड़काटा का। अब भैया पूछते रहिए है ना, तो छटकुनिया आंसर नहीं मिलेगा। आइए थोड़ा देखो, थोड़ा सा आगे ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया है लिखा हुआ है। यौनावस्था मतलब बड़ा थोड़ा हो जाता है, इसमें रोग में अपचय की भली भांति नहीं पता, मतलब पता नहीं चल पाता है, इसमें हृदय स्पंदन तथा रक्तचाप का कम हो जाता है। मतलब याद कर जिसका थोड़ा सा रक्तचाप मतलब बीपी थोड़ा कम हो रहा है और वाकई में हृदय ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, ये भैया थायरोक्सिन से कमी से हो रहा है, क्योंकि थायरोक्सिन नहीं छूट रहा है इसीलिए होता है। चलिए इसको रहने देते हैं, कल एक पहला याद रखिएगा, ये बहुत बढ़िया चीज है। आगे लिखा हुआ बहुत बढ़िया चीज है। चलिए अभी तक लेकिन तो एग्जाम में पूछा गया ना, पहला वाला ही पूछा जाता है, अंतिम वाला पूछा जाता है, अंतिम वाला मतलब ये वाला पूछा जाता है। इसके बाद देख लेते हैं लिखा हुआ है हाइपोथायरॉइडिज्म, क्या लिखा हुआ है हाइपोथायरॉइडिज्म, क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ कि यह लंबे समय तक इसमें हार्मोन की कमी होने के कारण से यह रोग होता है। भैया कोई इंतजार कर रहा है कि अब खाना खाएंगे, अब खाना खाएंगे, अब खाना खाएंगे, क्या समझे, ऐसी बॉडी खराब हो जाता है ना। कल हमारा फास्टिंग रहता है और अभी तक खाना नहीं खाए, आज दिन भर तो इधर ही उधर है, आज जिस जहाँ पढ़ा रहे थे वहाँ सिलेबस खत्म हो गया, आज वहाँ फेयरवेल था, भाषण देने में रह गए, खाएं कहाँ कुछ नहीं, अच्छी हैं वहाँ नहीं खाए। लंबे समय तक अगर ये हार्मोन नहीं छोड़ेगा ना, इसके कारण से ये रोग होता है। इस रोग के कारण से सामान्य जनन कार्य क्या होता है संभव नहीं होता है, कभी कभी इस रोग में मनुष्य गूंगा और बहरा हो जाता है। तो याद करो गूंगा और बहरा ये लक्षण जो है थायरोक्सिन की कमी से होने वाला कौन सा रोग में, हाइपोथायरॉइडिज्म, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। चलिए अगला हम बात करते हैं घेंगा के बारे में, लिखा हुआ कि भोजन में आयोडीन की कमी से यह रोग क्या हो जाता है घेंगा हो जाता है। इस रोग में थाई ग्रंथि के आकार क्या होता है बहुत वृद्धि हो जाता है और यहाँ तक आ जाता है, नहीं आ जाता है तो याद के घेंगा रोग में होता है। इसका मतलब इसमें आपको अगर देखा जाए सिर्फ मिक्सिमा को छोड़ दिया जाना, ये दोनों तीनों इम्पोर्टेंट है, ये दोनों तीनों ये वाला और उसके बाद ये वाला, सॉरी मिक्सिमा नहीं बल्कि ये वाला क्या है इम्पोर्टेंट है। तो तीनों को देखोगे घर जाके, घर जाके देखना तो फिर अगला देखा जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, अब लिखा हुआ है कि भैया अगर जब थोड़ा सा थायरोक्सिन शुरुआती टाइम में निकल रहा था तो ठीक था, लेकिन अब अधिक मात्रा में जब निकलने लगे तो क्या होता है। आइए ध्यान दीजिएगा, पहला का नाम है ग्वाइटर नाम का रोग, तो याद रखिए टॉक्सिक ग्वाइटर, लिखा हुआ कि यह हृदय गति के तीव्र हो जाता है एवं रक्तचाप बढ़ जाता है। तो याद रखिए हृदय गति का कर जाना और रक्तचाप का बढ़ जाना यह किसके कारण से होता है, थायरोक्सिन के अधिक निकलने की वजह से होता है। अगर ऐसा होने लगा शोषण जो दर होगा ना इसमें क्या होगा अधिक तीव्र हो जाता है, तो शोषण दर का तीव्र हो जाना, रक्तचाप का बढ़ जाना, वहां तक कम हो जाना, यहाँ बढ़ जाना किसके वजह से होता है थायरोक्सिन के अधिकता कारण से होता है। आगे लिखा हुआ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एक्सोथैलेमिया, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इस रोग में आंख फूल कर नेत्र पटल के बाहर निकल जाता है। बहुत लोग का देखिएगा आंख थोड़ा सा बाहर आ जाता है, वाकई बहुत होता है, जैसे कि मजदूर वर्ग का जो लोग होते हैं ना उधर के, अगर देख लीजिएगा वाकई में कहीं ना कहीं दिक्कत पहुंचाता है वो। तो याद रहे अगर आंख के फूल कर बाहर आ जाना ये थायरोक्सिन की अधिकता के कारण से होता है, ये किस रोग में आता है तो एक्सोथैलेमिया, किसमें आता है, किसमें आता है, किसमें आता है, ये आता है एक्सोथैलेमिया से। थोड़ा सा मात्र 5 मिनट का समय है, अभी जो हम 2-3 बातें को पढ़े थे अब 2 से पढ़े थे, अब 2 से पढ़िए और बड़ा कर देते हैं, अब 2 से पढ़िए। हेलो हेलो हाँ बोलिए, 4 दिन हो गया। लिखा हुआ है कि अगला ग्रंथि का नाम है, लिखा हुआ है
किया गला में अवधु मतलब थर्ड ऊपर ठीक ही पड़ रहे थे ना। याद देखिए थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे क्या होता है पैराथायराइड, कौन सी होता है आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है कि यह हार्मोन तब स्रावित होता है जब रुधिर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। भैया बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है, बताइएगा जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमारे बॉडी में कौन सा जो ये है ग्रंथि को छोड़ना स्टार्टिंग कर देता है, तो पैराथायराइड यह हार्मोन को छोड़ना स्टार्टिंग करता है। आपको पहले ये सब पढ़ चुके अंतःस्रावी ग्रंथि उसको कहते हैं जो कि क्या छोड़ता है हार्मोन छोड़ रहा है, तो याद रखिए हार्मोन छोड़ेगा लेकिन यह तब काम करेगा जब वो क्या होगा कैल्शियम की कमी हो जाएगी। समझे बात को, जैसे कि आप एग्जांपल समझ सकते हैं कि इंडियन आर्मी एयरफोर्स नेवी को तब ड्यूटी लगाया जाता है जब सीआरपीएफ बीएसएफ आईटीबीपी से नहीं संभलता है। समझे बात को, ये बात को याद रहे आपको। उसी प्रकार याद रखिए जब बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तब वो क्या करेगा पैराथायराइड को किया जाता है। अगर लिखा हुआ बहुत ये तो और भैया खतरनाक है, पूरा टॉप कैटेगरी का क्वेश्चन है दोनों। लिखा हुआ है कैल्सिटोनिन, क्या लिखा हुआ है बोलो लिखा हुआ है कि जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा क्या होता है किसकी मात्रा किसमें कौन छोड़ रहा है क्या छोड़ता है जब रुधिर जब कम होता है क्या कम हो जाता है कौन करता है। लिखा हुआ है कि कैल्सिटोनिन में जब कैल्शियम की मात्रा जब अधिक हो जाती है तब वो हार्मोन मुक्त होता है, मतलब अधिक छोड़ रहा है पूरा हार्मोन मुक्त छोड़ रहा है अर्थात पैरा अवधु का मतलब इसका मतलब जानते क्या ग्रंथि बारे में बात कर रहा है, ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन में रुधिर की कैल्शियम की मात्रा को क्या कहता है नियंत्रण करता है। मतलब मिस्टेक से अगर पैराथायराइड फिर अधिक कैल्शियम में निकाल दिया इसको कंट्रोल करेगा कौन पैरा अवधु कौन करेगा आगे बताइए पैराथायराइड ग्रंथि कब काम करती है जब हमारे बॉडी में किसी कमी हो जाए। अब मिस्टेक से अगर अधिकता हो गया इसको कंट्रोल कौन करेगा पैरा अवधु कौन करेगा बहुत बढ़िया अच्छा चीज है। बस आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से बोलिए क्वेश्चन। ये दोनों लाइन लिखा हुआ है थायमस ग्रंथि, अभी आपको जितना लाइन ठीक लगा होगा पूछेंगे आप सबसे, अब यही होगा। चलो आगे लिखा हुआ है हम लोग देख लीजिएगा अगला ग्रंथि आ चुके हैं थायमस ग्रंथि। लिखा हुआ है कि यह अंतःस्रावी ग्रंथि के वक्ष गुहा मतलब थोड़ी सी ये इसके बारे में बात कर रही है उग्रस्थि मतलब कहां स्टर्नम के ठीक पीछे। कल आप क्या पढ़े थे मस्तिष्क में कौन कौन सा होता है हाइपोथैलेमस पीयूष और पीनियल ये पढ़े थे ना, जैसे उठे थे गला में क्या पढ़े थे थायराइड और पैराथायराइड। अब उसे कहा छाती में छाती का पहला ग्रंथि का नाम क्या था थायमस ना दादी, तो पहला थायमस को याद रखिएगा। तो बिल्कुल स्टर्नम के जस्ट ठीक पीछे पाया जाता है कौन ग्रंथि पहला आपको यही बोलना है कि सर थायमस ग्रंथि जो है स्टर्नम के ठीक पीछे जा जाता है पहला आपको हमको यही सुनना है। अगला लिखा हुआ है पीछे श्वास नली होता है जहां से आप सांस लेते हैं उसका ट्रेकिया कहा जाता है। आपको पता है थोड़ा सा अगर आप ये देखिएगा जब आपको हम पाचन पढ़ा रहे थे आपको हम क्या बताए थे इन्होंने क्या ये हो गया श्वास ये हो गया ग्रास नली, इसमें एक ऐसी संरचना होती है खाना वाला पाइप अलग होता है सांस वाला पाइप अलग होता है इसको तो लॉकिंग करने का काम करता है इसी का नाम है एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिक्स पहचान बहुत बढ़िया से कर लेता है कि यह आदमी खाना खा रहा है किसी सांस ले रहा है। अगर जब खाना खाता है ना इसमें क्या करता है उसको ब्लॉक कर देता है और खाना इसमें घुस जाता है चल जाता है अमाशय में। जब खाना खा के आप जब चबाने लगते हैं ना तो हल्का फल्का हवा क्यों सकता है सांस क्यों सकता है कि हल्का फूल जाता है हवा जाता है ना। उसी प्रकार याद की जम जाता है यही पर यही तो है जिस जो सांस लेते हैं इसको कहते हैं ट्रेकिया। तो याद रखे वही बातें यहां लिखा हुआ है ये बातें थोड़ा सा यहां लिखा हुआ है इस बातें पर ध्यान दो थोड़ा सा। इस बातों को ध्यान दे थोड़ा सा इसमें लिखा हुआ है स्टर्नम के पीछे होता है ट्रेकिया के लिखा हुआ विभाजन के स्तर पर एक लिम्फोइड अंग होता है इसमें दो खंड होते हैं जिसमें कि पहला होता है वो संयोजी उत्तक के एक परत के आपस में जुड़ जाते हैं उसके एक बाहर के अंग का नाम है कॉर्टेक्स। पहला का नाम क्या है लिम्फोइड पहला थायमस ग्रंथि को कितने भागों में बांटते हैं दो पहला का नाम दूसरा का नाम कॉर्टेक्स दूसरा का नाम जिसमें कि लिखा हुआ है कि जिसमें कि अनगिनत संख्या में क्या होता है लिम्फोसाइट क्या होता है बताइए लिम्फोसाइट किसका नाम है
लिम्फोसाइट किसका नाम है? आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का है ना। चलिए याद रखिए, लिम्फोसाइट जो है ना वो डब्ल्यूबीसी का नाम है, हमारी इसमें कोई गलती नहीं। अब पता चल रहा है कि आपकी गलती पूरी चल रही है ना। हमको कभी कभी ऐसा लग रहा था कि हम रिवीजन नहीं करवाते हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन अब दिक्कत इस बात का है कि पूरे में आपको हम ये बता देते हैं इसमें जो अनगिनत संख्या क्या होता है, इसमें लिम्फोसाइट पाया जाता है, इसमें मौजूद रहता है, इसके अंदर अंदर मेडुला भी होता है। उसी प्रकार के मेडुला में लिम्फोसाइट की संख्या कुछ कम रहती है और कोशिकाएं कुछ गुच्छे में होती है, जिसमें कि थायमिक एवं हाइसल्स नाम की कोशिका रहते हैं, इसके साथ रहते हैं, कोई मतलब नहीं। अब हम सर जी हमको क्या क्या बोलना, पहले यही बोलना है कि थायमस ग्रंथि जो है ये कहां होता है, छाती में। बायोलॉजी की भाषा में छाती को क्या कहते हैं, वक्ष गुहा। क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं, थोरसिक्यूरिटी। क्या कहते हैं, यह थायमस ग्रंथि किसके पीछे होता है, स्टर्मन पक्षी के पीछे होता है। इसके दो भागों में बांटा गया, पहला का नाम लिम्फोइड, दूसरा का नाम कॉर्टेक्स होता है। बताइएगा कॉर्टेक्स में सबसे अधिक आपको क्या रहता है, इसको क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी। क्या होते हैं, चलिए बस इतना सा ही बोलना, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोलना, जितना सा टिक लगाएंगे उतना सही बोलना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलोगे, ना एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने का प्रयास करोगे। आगे देखो लिखा हुआ है कि जब यह ग्रंथि जब उम्र के अनुसार अलग अलग आकार की होती है, बाकी में आप बढ़ रहे हैं तो आपका आकार ऑटोमेटिक होगा। जैसे कि आप देख रहे थे कि नवजात शिशु में हड्डी संख्या 300 था, जैसे जैसे बढ़ रहा था आकार घट रहा था अंतिम जाकर 206 ला दिया। उसी प्रकार याद गया ये क्या होता है ग्रंथि, ओके में आप केश में पाया जाता है, केश की संख्या बढ़ रहा है घट रहा है। जब तक बच्चे की उम्र 2 वर्ष तक नहीं हो जाती है तब तक यह लगातार बढ़ती रहती है, इसके बाद यह सिकुड़ती है, इसलिए वयस्क होने पर यह सिर्फ तनुमय अवशेष के अवस्था में पाया जाता है। वाकई में जितना एग्जाम्पल समझे, मतलब यह सब कहने का मतलब यह हो गया कि भैया 2 वर्ष तक ऑटोमेटिक बढ़ेगा, उसके बाद जैसे बच्चा अधिक उम्र का हो जाएगा एक शेप ले लेगा वो, अब वो शेप से धीरे धीरे बढ़ेगा। तो याद रखिएगा इस ग्रंथि उम्र में कैंसर अलग अलग होती है, 2 वर्ष तक इसका विकास तो नहीं पड़ा लेकिन हाँ 2 वर्ष तक यह सिकुड़ जाती है अंतिम जाकर। लिखा हुआ कि थायमस ग्रंथि, थायमस ग्रंथि में बहुत बढ़िया चीज है लिखा हुआ कि थायमस ग्रंथि में क्या लिखा हुआ है, थायमोसिन नामक, क्या लिखा हुआ है, थायमोसिन। क्या लिखा हुआ है, थायमोसिन। क्या लिखा है, पेप्टाइड हार्मोन का स्राव होता है। बताइएगा पेप्टाइड हार्मोन कौन निकालता है, थायमस कौन निकालता है, लिखा हुआ कि जो मुख्य रूप से टी कोशिका, पढ़ेंगे आगे चलकर, टी कोशिका का निर्माण करती है एवं यह कोशिका शरीर के रोग को प्रतिरोधी क्षमता को बनाए रखने के लिए बहुत बड़ा खास है। लिखा हुआ है कि भूमिका अदा करने के लिए, यानी थायमस ग्रंथि को प्रतिरक्षा तंत्र का विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला लाइन यही बोलना है आपको, क्या बोलना है सर जी, बस आपको पहले हम बता देंगे क्या क्या बोलना है तब आपको बोलना है। पहला क्या बोलना है कि थायमस ग्रंथि मतलब यहां पर प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करती है, विकास मतलब मजबूती करने में, विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस ग्रंथि को स्थापित होने के बाद का प्रभाव जनन इंद्रियों पर विकास के यौवन के आवार आरंभ पर क्या करता पड़ता है। वाकई में जब शुरुआती में जो मतलब महिला पुरुष का जो संबंध होता है उसके अनुसार बोल रहा है वो, यह हड्डियों का विकास होने तक यह क्या करता है, उनका विकास होते रहता है। जब तक कुल मिलाकर जब बच्चा का विकास मतलब जब आदमी बड़ा न हो जाए और हड्डी का विकास न हो जाए उस